कि जब बहुत जरूरत थी उस समय मैं आपके बीच में नहीं था, लेकिन ये उम्मीद भी रखता हूँ कि उस अपने भाई और बेटे को जो आपके हर दुख और सुख में आपके साथ रहा है, चाहे वो कोरोना की महामारी हो, पहली बार लॉकडाउन रहा हो, जीना मरना घटना दुर्घटना, चाहे मलेशिया में फंसे बच्चों को वापस लाने की बात रही हो, हमेशा मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम किया हूँ। इस बार मैं खुद आपकी दुआओं के बदौलत सांसें ले रहा था और यकीन हो गया है कि दवा पर दुआओं का असर ज्यादा होता है। आपकी दुआओं के बदौलत ही मैं वापस आ रहा हूँ और मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो वक्त नहीं रहा उसकी कमी तो दूर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अस्पताल से भी मैंने लगातार जिसके भी मैसेज आ गए उसके लिए ऑक्सीजन, दवाई, बेड, अस्पताल, हर चीज इंतजाम करने की पूरी कोशिश की। मैं एक साथी का नाम जरूर लेना चाहूंगा, राज ऑक्सीजन वाले का, डॉक्टर राजीव सिंह का, जिन्होंने मेरे कहने पर जाने कितनों को ऑक्सीजन और सिलेंडर देने का काम किया। उन सारे डॉक्टरों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे कहने पे मरीजों की देखभाल करी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, घोषणाएं बहुत होती है, फोटो खींचते हैं, बात आती है जाती है चली जाती है। जिसके घर से कोई गुजर जाता है, जो बच्चा अनाथ हो जाता है, उसको झेलना पड़ता है। इसलिए मेरी जिंदगी आप लोगों की है, मैं वापस आ रहा हूँ, एक वचन दे रहा हूँ कि मेरे रहते मऊ का और बलिया का कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा। सरकारी घोषणाएं हो चुकी है मुझे पता है, लेकिन जमीन पर कितना क्रियान्वयन होती है आपको भी पता है। मैं वचन देता हूं कि आते ही उन तमाम घरों में जाऊंगा जहां किसी ने कोई खोया है, और वो सारे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं उनकी पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। सरकारी सुविधा मिलती है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं मिलेगी उसके लिए उसका चाचा भाई और बाप बन के राजीव राय खड़ा रहेगा। जो कुछ कर सकता हूँ किया हूँ और फिर करूंगा। मैं घोषणा करता हूँ कि अपने क्षेत्र के उन तमाम अनाथ हुए बच्चों को गोद लेकर उनको पढ़ाने का काम करूंगा, उनकी शिक्षा में कोई कमी नहीं आएगी। जब तक उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था ठीक से नहीं हो जाती, सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैं बहुत जल्द आपके बीच में आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।